हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। ईवीएस में आप लोग ओपन करिए हमारी बुक में पेज नंबर 15। ओके, पेज नंबर हम लोग ये जो 14 का एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन द कंप्लीट ईच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, है ना, करा चुका है मैंने आपको। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी हो चुका है। आज हम लोग करेंगे टेक द करेक्ट सेंटेंस एंड पुट क्रॉस ऑन द रॉन्ग वंस। फर्स्ट है यहाँ पे टिक करना, जो सही आंसर होगा उस पर टिक करेंगे और जो सही गलत आंसर होगा उस पर क्रॉस करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट है, आवर सेंस ऑर्गेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे संवेदी अंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, ठीक है, हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं संवेदी अंग। ये राइट है या रॉन्ग? ये तो राइट है ना, तो हम लोग इस पर राइट करने चले जाएंगे। ओके, फिर सेकेंड, We lick an ice cream with our skin। हम जो है आइसक्रीम को चाटते हैं, मतलब आइसक्रीम को खाते हैं अपने स्किन के द्वारा, अपने स्किन से। तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है? यस, ये रॉन्ग है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस करने चलेंगे। ओके, फिर वी स्मेल अ फ्लावर विद आवर नोज। यस, ये तो सही है ना, हम लोग अपने नोज के द्वारा ही ना स्मेल करते हैं फ्लावर को, तो क्या होगा यहाँ पे, ये राइट होगा, ठीक है। फिर फोर्थ है, वी हेयर hear विथ आवर आईज। क्या हम लोग हम अपने आंख से सुनते हैं क्या? तो ये क्या होगा, क्रॉस होगा ना, गलत होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस करने चले जाएंगे। ओके, फिर फिफ्थ वाला, वी फील हॉट और कोल्ड विथ आवर स्किन। हम अपने स्किन के द्वारा अनुभव करते हैं ठंडे और गर्म का, ये राइट होगा, है ना। स्किन से तो हम लोग छूते हैं तो भी समय पर समझ में आता है ना कि ये चीज गर्म है या ये चीज ठंडी है, तो हमें स्किन से ही समझ में आती है, ठीक है, टच करके समझ में आती है ना, तो ये राइट होगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पर डी वाला है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड नेम द बॉडी पार्ट्स बीइंग यूज्ड टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हुई है, इसमें हम लोग हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स का यूज हो रहा है, तो इसमें हमको इसमें लिखना है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे जो ये बच्चा है ये फोन कर रहा है, फोन से बात कर रहा है ना, टॉकिंग कर रहा है ना, तो एक तो यहाँ पे इसका ईयर का यूज हो रहा है ना, मतलब कान में लगाया हुआ उसने, और दूसरा ये बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ईयर्स और माउथ का यूज हो रहा है ना, ये ईयर्स और माउथ के जो है बॉडी पार्ट हमारे इसमें यूज हो रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ईयर्स और माउथ। ओके, फिर है यहाँ पे, ये देखिए एक बच्ची है, आइसक्रीम ले रखा है ना इसने, तो आइसक्रीम इसने ले रखा है, मतलब उसको लिख भी कर रही होगी, है ना, मतलब उसको खा भी रही होगी चाट करके, तो इसमें यूज होगा टंग एंड हैंड। ओके, हैंड से इसने पकड़ रखा है और टंग का यूज हो रहा है ना। फिर यहाँ पे देखिए एक बच्ची है, ये गर्ल है, जो क्या कर रही है, एक गाना सुन रही है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, यूज ईयर्स का यूज हो रहा है ना, वो अपने कानों से गाने को, मतलब सॉन्ग को सुन रही है ना, तो हम लोग यहाँ पे ईयर्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पेज नंबर आप लोग आइए 16 पे। 16 पेज नंबर में देखिए यहाँ एक बॉय है, ये क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है ना, टीवी देखने में किसका यूज होता है, आईज का, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आईज, ई वाई ई एस, आईज लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे गर्ल है, इसने अपने हाथों पे आइस रखा है, आइस जानते हो ना, आइस मीन्स बर्फ, है ना, तो बर्फ ये ठंडी होती है ना, तो इसे ये क्या कर रही है, बर्फ को एक तरह से टच कर रही है ना, तो इसमें इसके स्किन का यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SKIN स्किन, ठीक है, स्किन का, स्किन पार्ट का यूज हो रहा है, बॉडी पार्ट का, है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक गर्ल है, अपने हैंड में क्या लिए, फ्लावर ले रखा है इसने, फ्लावर लेके क्या कर रही है, स्मेल ले रही है ना फ्लावर की, यानी कि सूंघ रही है, तो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, नोज का, किसका यूज हो रहा है, नोज का यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे NOSE नोज। ओके, चलिए आज हम लोग इतना ही करेंगे, और आप लोग आज अपनी बुक में इतना ही फिल करेंगे, और जो ये टेक द करेक्ट आंसर दिया हुआ है इसको आप लोग अपनी कॉपी में राइट करेंगे। ओके, ये वाला जो है सी वाला राइट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।